पता नहीं कोई आया था बताने घर पे कि पापा ने सुसाइड कर ली है, लेकिन हम जब लोग वहाँ पे गए तो मेरे पापा कचरे में पड़े थे एक साइड। भैया तो पापा क्या कह के गए थे तुमसे? हमारे पापा गए थे कि हम साइड पे जा रहे हैं पेमेंट करवाने, लेकिन हम जब क्या करते पापा तुम्हारे राजगीरी घर बनाते थे। इसका कहने के आप लोग साथ मतलब जो है हत्या हुई आपके पापा की? हमारे पापा के साथ हत्या की, उनका मर्डर किया। भैया फोन करके बुला लो सवेरी पेमेंट ले जा। पेमेंट पेमेंट कछु नहीं दो, मेरे राज को मार के फेंक दो भैया। मेरे तो राज को लेवा के गए हैं तो फोन करो सवेरे, फोन कर दो सो मेरे राज के पेमेंट ले, पेमेंट लेन गए सो इन्हें मार के फेंक दो। तो जानकारी कब मिली आप लोगों को? मजदूर को मजदूरी मांगना पड़ा महंगा, दबंगों ने मजदूर धर्मपाल को जमकर मारपीट कर नृशंस हत्या कर दी। परिजनों ने गांव में शव रख कर अंतिम संस्कार न करने के लिए अड़े। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझा कर अंतिम संस्कार के लिए भेजा। सीओ सिटी अमित कुमार ने दबंगों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। वहीं परिजनों से मिलने भड़तना तहसीलदार एवं SDM पहुंचे और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। भीम आर्मी की टीम उद्धनपुरा गांव पहुंची, पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने पर साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। इटावा जनपद के इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत उद्धनपुरा गांव के निवासी मजदूर धर्म सिंह विगत लगभग 3 महीने से मकान बनाने का कार्य कर रहे थे। कल दोपहर लगभग 2 बजे के करीब उनके मृत्यु की खबर ने घर वालों को झकझोर कर रख दिया। मृतक धर्म सिंह की पत्नी का कहना है कि मृतक को सोबा मकान मालिक एवं शटरिंग ठेकेदार की कॉल आती है और पति बिना कुछ बताए काम पर चले जाते हैं। पत्नी का कहना है कि काम के रुपए मांगने पर कुछ दिनों से मालिक तथा उनके बेटे से कहासुनी हो रही थी, जिस पर मालिक आज दिन उनके साथ जाति सूचक गालियां तथा जान से मारने की धमकी दे रहा था। जब 2 बजे के लगभग घर वालों को मालिक के बड़े बेटे द्वारा सूचना दी गई, घर वालों के पहुंचने तक उनकी लाश को मालिक के घर से निकालकर मकान से करीब 100 मीटर की दूरी पर पहले से ही रख दिया गया था, जिससे परिजनों को हत्या की आशंका है तथा कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहे हैं ये जो मृतक थे ये मिस्त्री थे, तो ये जिसके मकान में काम कर रहे थे उन्होंने ठेका लिया था, उन्हीं के यहाँ ये काम कर रहे थे। तो बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने में उस मकान मालिक और उनके जो बेटे हैं साथ में जो भी रहा हो उन्होंने तहरीर दी है, उस तहरीर के आधार पे कल तकरीबन दोपहर में 1 बजे मुझे सूचना आई कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है कमला नगर कॉलोनी में, जो कि थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में पड़ता है। तो मौके पर वहाँ गया, देखा था जो मृतक थे पर नाम था धर्म सिंह, वो निवासी थे उद्धनपुरा गांव थाना इकदिल के। तो पंचायतनामा की कार्रवाई के उपरांत जो है मोर्चरी भेजा गया और मृतक का फिर पोस्टमार्टम कराया गया और आज घर वालों से लिखित तहरीर प्राप्त हुई है, तो उसी के अनुसार संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो क्या सर इसमें कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? इसमें तहरीर प्राप्त किया गया है, जो आरोपी है उनके यहाँ दबिश दी गई है और अभी कुछ देर में ही रिजल्ट मिल जाएगा।